फैजाबाद जनपद की पुलिस को 40,000 का इनामी अपराधी गैंग लीडर राकेश यादव उर्फ अच्छे लाल यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। जिले की खंडासा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद झांसी के गैंग लीडर को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपाची गाड़ी व 5400 रुपए नगद बरामद किया। D27 गैंग बुंदेलखंडवा मध्य प्रदेश में हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग में 9 सदस्य हैं, जिसमें से फैजाबाद में गैंग लीडर गिरफ्तार हुआ, लेकिन 9 सदस्य अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि खंडासा पुलिस व क्राइम ब्रांच को आज उस समय सफलता मिली जब खंडासा थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या में वांछित अपराधी राकेश यादव उर्फ अच्छे लाल को थाना क्षेत्र में होने की खबर मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद खंडासा थाना क्षेत्र के भकौली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया और यह गैंग बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देता रहा। गिरफ्तार 40,000 का इनामी अपराधी राकेश यादव उर्फ अच्छे लाल पर झांसी में 7, ललितपुर में 1 और फैजाबाद में 5 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी पूर्वांचल के गाजीपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी खंडासा थाना क्षेत्र के बबलू तिवारी हत्याकांड में वांछित था, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। एक हत्या के मामले में 8 जनवरी को एक हत्या हुई थी बल्लू तिवारी नाम के युवक की, जिसमें उसी की वाइफ और चंद्रशेखर नाम के एक युवक और राकेश यादव का नाम प्रकाश में आया था, तब से ये फरार चल रहा है। उसमें उसकी वाइफ और चंद्रशेखर जेल गए थे, ये उसमें फरार था, ये मुख्य अभियुक्त था उसका। उसी मुकदमे में इसमें DIG महोदय के द्वारा 40,000 का इनाम किया गया था और उसमें लगातार दबिश और इसके लिए हमारी तलाश जारी थी। राकेश यादव ये 40,000 का इनामी, इसका मूलतः ये इसका एक गैंग है जो ऑपरेट करता है बुंदेलखंड एरिया में, झांसी ललितपुर और मध्य प्रदेश में इसके क्राइम है और इसके जो इसका एक गैंग रजिस्टर्ड है झांसी में ID पर रजिस्टर्ड है और इसके ये उसका सरगना है और 9 इसके और सक्रिय सदस्य हैं जो इसके साथी हैं। क्राइम इसका है लूट डकैती हत्या 307 और इसका 420-467 के भी मुकदमे हैं। 3 बार इस पर गैंगस्टर भी लगा है। ये हमारे यहाँ हत्या में वांछित था और इसकी गिरफ्तारी यहाँ खंडासा थाना क्षेत्र से हुई है, जिसमें स्वाट सर्विलांस और हमारे थाना खंडासा की टीम ने इसमें कार्रवाई की है, सराहनीय कार्य किया है। ये बरामद किया इससे बरामद की है 32 बोर की पिस्टल है, 4 कारतूस, 2 कोका बरामद है और इससे 5,450 की कैश भी इससे बरामद है। एक मोटरसाइकिल अपाचे है जो बरामद हुई है इससे। सर एक दूसरा मामला फैजाबाद का, एक सुधार केंद्र से एक युवती लापता है फैजाबाद से, एक सेकंड पता कर लेते हैं कि ये जो फैजाबाद मंडला आयुक्त मनोज मिश्र व जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता सिंह ने जिला पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय भवन एवं उसमें स्थित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का किया लोकार्पण तथा स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सभागार में आयोजित सभा में उन्होंने सीमाओं के पार जाकर विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे सम्मानित अतिथिगणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल जैसी महान विभूति को इस सभागार को समर्पित किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने नाम के अनुरूप अटल रहकर कार्य किया और अजात शत्रु नाम को सार्थक किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन दर्शन अनुकरणीय व प्रेरणादायक है, यही अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सहकारी बैंक फैजाबाद बिमल सिंह राजू, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, अनूप सिंह, गंगा सिंह यादव ने अपने विचारों को रखा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अक्षय त्रिपाठी, राम प्रकट भोलानाथ सिंह, रंजीत वर्मा, जिला पंचायत के अधिकारी व सदस्यगण शामिल रहे। ये आज जिला पंचायत ने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें हम लोग भी आमंत्रित हैं। अध्यक्षा जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ में जिला पंचायत के जितने भी यहाँ पर माननीय सदस्यगण हैं, अन्य पदाधिकारी हैं और अन्य दलों के भी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी लोग यहाँ पर एक स्वर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने की दृष्टि से आज इस सभागार को उनकी याद में लोकार्पित कर रहे हैं, तो ये वास्तव में एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि है। थैंक यू।
पर यहाँ पर उपस्थित अमन कमिश्नर साहब, डीएम साहब, विधायक जी एवं जिला पंचायत के अन्य कर्मचारीगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय अटल बिहारी जी, जिनका अभी जल्दी में देहावसान हुआ है, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती। ये परम श्रद्धेय अटल जी महामानव थे, युग पुरुष थे, और युग पुरुष कभी भी काल कवलित नहीं होता है, सदैव अजर अमर होता है। और उनकी ये सर्व स्वीकार्यता को दृष्टिगत रखते हुए एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो जिला पंचायत की ओर से उनके प्रति प्रस्तुत की गई, निश्चित रूप से ये अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है, और उनके स्मृति सभागार का जो लोकार्पण हुआ है अपने आप में पूरे जनपद फैजाबाद की ओर से उस महामानव को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हम लोग इसके लिए जिला पंचायत को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये पुनीत कार्य किया। फैजाबाद सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागार में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मंडल स्तरीय बैठक की गई, जिसमें फैजाबाद जनपद के समस्त सीएससी, पीएससी, जिला व महिला श्रीराम मंडलीय चिकित्सालय के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में आवाज उठाई। इनकी मांगे विनियमित करना, आउटसोर्सिंग को समाप्त करना और कर्मचारियों का हो रहा शोषण को बंद करना व समय पर वेतन न मिलना आदि। अध्यक्ष उदय यादव व अनामिका सिंह ने कहा कि हम सभी अपनी आवाज को शासन स्तर तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस अवसर पर वंदना सिंह, अमर सिंह यादव, पूजा वंदना, प्रीतम सिंह के साथ दर्जनों लोग शामिल रहे। हम जितने भी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी हैं, ये हम उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपना ये पक्ष रखना चाहते हैं कि हमें आउटसोर्सिंग से मुक्त करते हुए हमारे विभाग में विनियमित किया जाए, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के शोषण से बच सके। हम युवा हैं, हम देश की आवाज हैं, अगर हमें ही शोषित किया जाएगा तो मतलब क्या रह गया फिर? नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग, ये ठीक नहीं है। हमारी मजबूरी है, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम 20,000 पे, 15,000 पे नौकरी कर रहे हैं। सरकार को ये संज्ञान लेना होगा कि हम सभी लोगों का कुछ तो कल्याण करे। आखिर हम किसके पास जाएंगे? हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे? ये समस्या आज नहीं, जब से आउटसोर्सिंग शुरू हुआ है तब से है। सैलरी कहा जाता, बॉन्ड पे साइन कराया जाता है कि आप लोग आउटसोर्सिंग से किसी फलाने हॉस्पिटल में, फलाने हॉस्पिटल में अपॉइंट किए जाते हैं। फिर ये साइन क्यों नहीं कराया जाता उस संस्था से कि आपको हर महीने सैलरी मिलेगी? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमें इससे निजात चाहिए, हमें विनियमितीकरण चाहिए, हमें विनियमितीकरण चाहिए। हम ऐसे अब काम नहीं कर पाएंगे, हम अधिकारियों का टॉर्चर नहीं सह पाएंगे। आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए, ये फैजाबाद जनपद के लोग क्या और ये फैजाबाद मंडल के लोग, इसके आगे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक कमेटी का गठन करेंगे और किसी भी कार्य को बाधित न करते हुए शांति से हम अपना विरोध प्रदर्शन योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। हम बहुत ही परेशान हैं, प्लीज हमारे लिए कुछ करिए। क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका सिंह, मैं मंडलीय चिकित्सालय दर्शन नगर। एमपी बिरला ग्रुप द्वारा फैजाबाद के सिविल लाइन होटल के सभागार में एक डीलर व रिटेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें फैजाबाद अंबेडकर नगर के डीलर व रिटेलर सम्मिलित हुए। एमपी बिरला सीमेंट कंपनी के रीजनल हेड संदीप वर्मा द्वारा डीलरों को व रिटेलरों को कंपनी के प्रोडक्ट व कंपनी की भविष्य में आने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया। मौजूदा कंपनी की ब्रांड सम्राट व अल्टीमेट सीमेंट के बारे में, उसके टिकाऊपन व भरोसेमंद होने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी डीलरों को व रिटेलरों को ट्रॉफी व गिफ्ट प्रदान किया गया। इस अवसर पर फैजाबाद डिपो ऑफिसर रंजीत कुमार, सेल प्रमोटर अंकित अग्रवाल व सैकड़ों लोग शामिल रहे। ये बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमपी बिरला ग्रुप द्वारा आयोजित डीलर रिटेलर मीटिंग थी।
जिसमें हमने डीलर को जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी, हमारे नए प्रोडक्ट एम पी बिरला सीमेंट अल्टीमेट, एम पी बिरला सीमेंट सम्राट, उसके बारे में प्रोडक्ट नॉलेज दिया, और जो डीलर्स और रिटेलर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको जो है रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन आज के दिन पे हमने दिया, और उनसे जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए हम लोगों ने जो है कहा कि जो है जिस तरह से हमारा पिछले 50 साल 60 साल से उनका सहयोग हम लोगों के साथ लगातार निरंतर बना रहा है, वो आगे जो है हमारे साथ निरंतर बना रहे और प्रगति में हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कंपनी ने क्या नई चीज दी? कंपनी ने नई चीज़ इस कंपटीशन के दौर में जो है हमें समय समय पे अपने टेक्नोलॉजी और काफ़ी चीज़ों में जो है चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो चाहे हमारी सीमेंट में क्वालिटी के माध्यम से हो, चाहे पैकेजिंग के माध्यम से हो, चाहे प्राइसिंग के माध्यम से हो, चाहे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो, सब चीज़ों में हमने कई चेंजेस किए हैं, तो ये बाहर मार्केट में देखने को भी मिल रहा है, जिसको डीलर्स रिटेलर्स और हमारे कस्टमर्स जो है बहुत सराह रहे हैं, और जिसका कि हमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है और कंपनी प्रगति की ओर है, जिसमें कि आज अगर हम देखें तो फैजाबाद में जो हम पहले करीब 9,000-8,000 टन सीमेंट की बिक्री किया करते थे, आज की डेट में हम 10,000 टन तक पहुंच चुके हैं, जो कि आगे कंपनी का उद्देश्य है कि हम करीब 15,000 टन तक यहाँ पे पहुँचे। इसके लिए कंपनी जो है हर तरफ से अग्रसर है, जो भी सपोर्ट चाहिए हमारे डीलर बंधुओं को एवं रिटेलर बंधुओं को कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी। फैजाबाद में आपके मुख्य डीलर कौन है? फैजाबाद में हमारे मुख्य डीलर हमारे रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण से हमारे राजू तिवारी जी हैं, और हमारे जो है के इंटरप्राइजेस से के तिवारी जी हैं, ये हमारे प्रमुख डीलर बेस हैं, और कई वर्षों से ये हमारे साथ, और हमारे जो है साथ में हमारे सेल्स प्रमोटर हैं अंकित कंचल जी, और ये लोग हमारे साथ करीब 20 से 25 वर्षों से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपभोक्ताओं को, जो आपके यूजर कंज्यूमर के एंड में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो सीमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं वो अब तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी सीमेंट है, आप इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस्तेमाल करिए, और एक फैजाबाद शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा जनपद के 5 शिक्षकों को मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। उक्त जानकारी शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बताया। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान की शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है, जिसके संस्थापक पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे हैं। उन्होंने बताया कि 9 गठित चयन समिति ने 5 शिक्षकों के नाम का चयन किया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय नगरीय हरिपुर जलालाबाद की प्रधानाध्यापिका नवेदिता उपाध्याय, बाबू बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मधुबाला कनौजिया, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अलजामिया मदरसा रौनाही के मोहम्मद अयूब, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज ननसा तिलक धारी सिंह व साकेत महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर फौजदार यादव का चयन किया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, जैसे हर साल हम लोग जनपद से बायोडाटा मांगते हैं, जो उसमें से छांटते हैं 5 शिक्षकों का नाम, उन 5 शिक्षकों में आज अभी किसी को नहीं मालूम, जो हमारी चयन समिति थी, चयन समिति ने सुझाव दिया, उसमें पहला नाम निवेदिता उपाध्याय प्राथमिक विद्यालय से, दूसरा नाम मधुबाला श्रीमती मधुबाला कनौजिया बापू बालिका की प्रिंसिपल, और तीसरा नाम डॉक्टर फौजदार यादव विभागाध्यक्ष वनस्पत विज्ञान साकेत महाविद्यालय, और मोहम्मद बहुत बड़ा नाम इस्लामिक जगत का मोहम्मद अयूब रौनाही मदरसे के रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब, और ननसा के रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब बाबू तिलक धारी सिंह, इन 5 लोगों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 सितम्बर को लोहिया भवन में मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और जनपद के सारे शिक्षक आते हैं, उसमें सबका सम्मान होता है, लेकिन ये 5 जो चयनित नाम रहते हैं इनको सर्टिफिकेट और अन्य चीज़ों से सम्मानित किया जाता है। ये हमारी परंपरा 2012 समाजवादी पार्टी के, क्या कोई उच्च नेता यहाँ पर आएंगे शिरकत करने के लिए? नहीं, हाँ, उसमें हम शैक्षिक गोष्ठी भी होती है, तो हमारे फ्रंट के समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह यादव वो उस गोष्ठी के शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के मुख्य अतिथि, और जनपद के हम सभी अपने नेताओं को आमंत्रित करेंगे, वो सभी लोग रहेंगे, और संस्थापक हमारे जो है आज
प्रवक्ता भी बन गए हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटिशा सा धन्यवाद कि इस सम्मान के संस्थापक जो पवन पांडे जी हैं उनको प्रवक्ता के पैनल में जगह दिया, इसलिए शिक्षक सभा आज बहुत प्रसन्न है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम करके? चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, हम तो चाहते थे जिस धरती पर शिक्षकों का सम्मान अगर कम हो जाता है, मिट जाता है, वो मुल्क मिट जाता है। शिक्षक सम्मान केवल समाजवादी पार्टी फैजाबाद की करती है और उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती। एक आध बार कुछ पार्टियों ने शुरुआत की थी तो हम लोगों को अच्छा लगा था, वो लोग भी बुलाते तो हम लोग जाते कि लोग सम्मानित करें, लेकिन उन्होंने धनुष बाण रख दिया। शिक्षक सम्मान पहली बार उत्तर प्रदेश में जो सम्मानित वेतन दिया था श्री हेम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुरा, दूसरी बार जो सम्मानजनक पेंशन ट्रेजरी से किया माननीय मुलायम सिंह यादव, और तीसरा अगर कोई शख्स है उत्तर प्रदेश में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और फैजाबाद में पवन पांडे ही सम्मान करते हैं, और कोई पार्टी शिक्षकों का सम्मान नहीं करती। हमने आपसे पहले ही कहा जिस मुल्क में शिक्षक का सम्मान घट जाता है वो मुल्क बर्बाद होता है। क्या नमक है?